फ्रेंड आज का जो अपना टॉपिक है इजेक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इजेक्टर को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के थ्रू हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे इजेक्टर क्या होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए इजेक्टर को समझने से पहले हम लोग इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। ये हमारा टर्बाइन का डायग्राम है और हम लोग जानते हैं कि टर्बाइन में क्या होता है कि बॉयलर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का स्टीम हमारा आता है टर्बाइन के अंदर और आने के बाद यहाँ पे ब्लेड्स होते हैं उसके अंदर टर्बाइन के अंदर क्या होता है एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने के बाद जो स्टीम है वो हमारा कहाँ पे आता है एग्जॉस्ट होने के बाद कंडेंसर के अंदर आता है। ये हमारा कंडेंसर होता है और कंडेंसर के अंदर क्या होता है हमारा कॉयल रहता है जिसके अंदर पानी का सर्कुलेशन होते रहता है। यहाँ से ठंडा पानी इन करेगा यहाँ से आउट होगा और जो हमारा यह स्टीम है जो एक्सपेंड हो रहा है स्टीम वो इसके अंदर क्या होता है कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद क्या होता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी हमारा स्टीम है पूरा टोटली हमारा वाटर में कंडेंस नहीं होता है, कुछ नॉन कंडेंसेबल गैस होता है जो कि कंडेंस नहीं होता है। जो नॉन कंडेंसेबल गैस है कंडेंस नहीं होगा वो क्या होगा हमारा कंडेंसर में ऊपरी लेयर में रहेगा ऊपर में रहेगा। तो यह क्या करेगा अगर मान लीजिए इस कंडेंस नॉन कंडेंसेबल गैस को रिलीज नहीं करेंगे निकालेंगे नहीं तो क्या होगा इसका एक्युमुलेशन बढ़ते रहेगा यानी जितना कंडेंस होगा उसका एक्युमुलेशन बढ़ते रहेगा और ये धीरे धीरे क्या होगा प्रेशराइज करेगा। तो जो स्टीम हमारा इधर से आ रहा है उसको इधर से भी एक फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा हमारा जो स्टीम जो इजिली फ्लो हो रहा था अगर इसको निकाल देंगे नॉन कंडेंसेबल गैस को निकाल देंगे तो क्या होगा स्टीम इजिली फ्लो होगा। तो अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा उसको रेजिस्ट करेगा स्टीम के अंदर जो एक्सपेंड होता है जो टर्बाइन के अंदर हमारा एक्सपेंशन होता है वो इजीली नहीं होगा क्योंकि हमारा नॉन कंडेंसेबल गैस अभी एक्युमुलेट हो रहा है उसका प्रेशर के चलते। तो इसके वजह से ये नॉन कंडेंसेबल गैस को हमको रिलीज करना पड़ता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वैक्यूम। तो देखिए इसको अगर हम रिलीज करेंगे तो हमारा स्टीम का फ्लो जो है वो इजिली होगा। जब स्टीम का फ्लो इजिली होगा तो टर्बाइन के अंदर स्टीम का एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा होगा और जितना टर्बाइन के अंदर एक्सपेंशन होगा उतना वर्क डन मिलेगा। ठीक है टर्बाइन में जितना वर्क डन मिलेगा उतना हमारा क्या होगा एफिशिएंसी बढ़ेगा। एक चीज और होता है जो हमारा नॉन कंडेंसेबल गैस है वो हमारा कंडेंसर का एफिशिएंसी पे बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर यह जितना कंडेंसेबल गैस रहेगा उतना कंडेंसर का एफिशिएंसी डिक्रीज होगा इसीलिए हम लोग कंडेंसर का एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए नॉन कंडेंसेबल गैस को पूरा एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग देखेंगे कैसे इजेक्टर से एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए जब इसको रिलीज कर देते हैं नॉन कंडेंसेबल गैस को तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्यूम यानी कंडेंसर के अंदर हम लोग क्या करते हैं वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है वैक्यूम मतलब कि यहां पे हम लोग निगेटिव प्रेशर यहां पे ला दिए या आप बोल सकते हैं इसको कि प्रेशर बिलो एटमोस्फेरिक यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर से नीचे रहेगा उसको वैक्यूम बोल सकते हैं या निगेटिव प्रेशर को आप लोग वैक्यूम बोल सकते हैं। तो इस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए इस चीज को क्रिएट करने के लिए हम दो चीज यूज करते हैं। एक या तो आप वैक्यूम पंप यूज कर लीजिए ठीक है या आप यूज कर लीजिए ये जो इजेक्टर है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इजेक्टर के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले इजेक्टर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं सब कोई जाता है रेलवे स्टेशन पे और जब हमारा ट्रेन गुजरता है हाई स्पीड से जब हम लोग रेलवे स्टेशन पे रहते हैं तो लगता है कि ट्रेन हमको अपने तरफ खींच लेगा। वो ऐसा क्यों होता है अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो इजेक्टर का फंडा बहुत अच्छे से डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए यह क्या है हमारा ट्रेन का पटरी है ठीक है ये हमारा ट्रेन का पटरी मैंने बना दिया और यहां पे मान लीजिए हमारा कोई ट्रेन है ठीक है ट्रेन हमारा कुछ स्पीड से जा रहा है। मान लीजिए ये हमारा क्या है प्लेटफॉर्म है हम लोग यहां पे कहीं खड़े हैं तो जब ट्रेन हमारा स्पीड से जाएगा ठीक है तो यहां पे जो भी इसके सामने एयर होगा क्योंकि ये हाई वेलोसिटी से जा रहा है पूरे स्पीड से जा रहा है तो ये सब एयर को अपने साथ लेके मूव करेगा। तो जब ये एयर यहां पे मूव करेगा यानी यहां पे एयर क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ ठीक है यहां पे क्या हमारा है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा क्योंकि वहां पे एयर नहीं है। तो क्या होता है कि जब हायर प्रेशर क्या होता है, लोअर प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसी की वजह से अगर हम यहां पे रहेंगे, क्योंकि यहां पे जो है लो प्रेशर हो गया तो यहां पे हायर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हायर प्रेशर यह क्या करेगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो जब हाई वेलोसिटी से कोई चीज जाएगा तो अपने सामने का एयर क्या करेगा, रिलीज कर देगा, वहां पर अपने साथ ले जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, निगेटिव प्रेशर हो गया, वहां पे प्रेशर क्या होगा, लो हो गया, जिसके वजह से जो बाहर का प्रेशर है, अगर हायर प्रेशर क्या करेगा, उस जगह को फिल करने की कोशिश करेगा। तो इस जगह को फिल करने के लिए क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पे सक करता है, जिसके वजह से अगर हम भी वहां पे कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो हम लोग भी खींचे चले जाते हैं। तो यह जो फिनोमिना है वो यहाँ पे इजेक्टर में अप्लीकेबल होता है, उसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, ये हमारा एक नोजल है, ठीक है, यहाँ पे हमने रेड कलर का दिखाया है नोजल, और ये देखिए ये हमारा क्या है, कन्वर्जिंग इनलेट नोजल है, ठीक है, और यह क्या है हमारा, डाइवर्जिंग आउटलेट नोजल है, यह क्या है हमारा, थ्रोट है। यही इतना फंडा है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जैसे हमने क्या बोला, हाई स्पीड से निकलता है, वैसे यहां से हम लोग क्या करेंगे, नोजल से स्टीम को हाई प्रेशर से निकालेंगे। जब यहां से हमारा स्टीम जो है नोजल से निकलता है तो क्या होता है, नोजल का फंक्शन क्या होता है कि प्रेशर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, तो यहां पे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इसके आसपास का जो भी एयर है, नोजल के सामने का जो भी एयर है वो क्या होगा, इस साथ में लेके स्टीम चला जाएगा। मान लीजिए यहां पे लेके आ गया तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर, यहां पे एयर का प्रेशर कम हो गया क्योंकि वो एयर को लेके चला जाएगा। तो इसको जहां से जगह मिलेगा, जैसे यहां से क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर यहां पे अंदर की तरफ जा रहा था, तो वैसे ही इसको खाली जगह कहां पे, यहां पे मैंने एक खाली जगह बना दिया। तो यह जगह खाली कहां से कनेक्ट किया, तो यह जो जगह है वो कनेक्ट कर दिया यहां पे, जहां पे हमारा नॉन कंडेंसेबल गैस को रिलीज करना है। तो यहां से जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां से जो भी हमारा नॉन कंडेंसेबल गैस है वो इसके साथ इधर चला जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहां पे क्या होगा, जितना भी एयर था वो उसको स्टीम लेके चला गया, तो यहां पे नॉन कंडेंसेबल गैस यहां पे आके मिल गया, ठीक है। तो यहां पे जैसे आएगा, ये देखिए हमारा इनलेट कन्वर्जिंग नोजल है, कन्वर्जिंग मतलब इसका आगे साइड में उसका एरिया जो है रिड्यूस होते जाएगा। तो हम लोग यहां पे जानते हैं फिर से ये नोजल वर्क करता है, तो नोजल में क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो यहां पे जो स्टीम का वेलोसिटी है, यहां पे ये जो नॉन कंडेंसेबल गैस दोनों मिल जाएगा, यानी स्टीम प्लस नॉन कंडेंसेबल गैस जो है दोनों मिक्सर हो जाएगा। तो ये जो चेंबर बोलेंगे वो मिक्सिंग चेंबर है, और यहां पे वेलोसिटी और इंक्रीज होगा, प्रेशर थोड़ा सा और डिक्रीज होगा। तो अगर वेलोसिटी की यहां पे बात किया जाए नोजल थ्रॉट के पास यहां पे, तो यह सुपरसोनिक में वे में चला जाता है, ठीक है, इसका बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी हो जाता है। उसके बाद यहां पे पूरा मिक्सिंग हो जाने के बाद ये आता है हमारा थ्रॉट एरिया में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजर थ्रॉट बोलते हैं। तो यहां पे आता है, यहां पे आने के बाद देखिए इसका एरिया जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होते गया। तो हम लोग जानते हैं जैसे नोजल का फंक्शन क्या होता है, प्रेशर को रिड्यूस करना, वेलोसिटी को इंक्रीज करना, सिमिलरली जो डिफ्यूजर का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इसके जस्ट रिवर्सल होता है कि प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या किया, हमारा नॉन कंडेंसेबल गैस यहां से हमको सक हो गया, जो भी हमारा स्टीम का फ्लो होने लगा एकदम इजीली, मस्त काम हो गया। अब क्या होगा, यहां से हमारा जो इतना प्रेशर को भी हम लोग इंक्रीज कर देंगे, वेलोसिटी हमारा सुपरसोनिक में था तो उसको सबसोनिक में अपना डिजायर्ड वेलोसिटी में ला देंगे, और लाने के बाद हम इसको जहां पर भी यूज करना है, जैसे यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पावर प्लांट में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम लोग इसको कंडेंस करते हैं, तो कंडेंस करने के लिए एक कंडेंसर यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैंने एक ऐसे ही रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ, जिसमें ये मैंने ऐसे बना दिया, और यहाँ से क्या होता है, इस टाइप का रहता है कुछ, यहाँ से हमारा मान लीजिए इन करेगा, ठीक है, यहाँ से हमारा कंडेंसेट जो है, ठीक है, यहाँ से हमारा कंडेंसेट वाटर इन करता है, ठीक है, यहां से इन करेगा
और यहां से क्या होगा, आउट करेगा। डिफ्यूजर आउटलेट के पास जो स्टीम और नॉन कंडेंसेबल गैस है वो हमारा एग्जिट होता है किससे, एक हाई प्रेशर और लोअर वेलोसिटी से एग्जिट होता है। एग्जिट होने के बाद कहां पे आता है, तो ये देखिए हमारा एक कंडेंसर का डायग्राम बनाया, ये कंडेंसर के पास आता है। तो कंडेंसर हम लोग जानते हैं एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस होता है जो कि हीट का एक्सचेंज करता है। तो हीट एक्सचेंज करने के लिए हम लोग को एक कूल मीडियम चाहिए और हॉट मीडियम तो हमारे पास ही है, स्टीम प्लस नॉन कंडेंसेबल गैस। तो यहां पे कूलिंग मीडियम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा ये कंडेंसर के नीचे क्या हुआ, पानी को स्टॉक करने के लिए एक हॉटवेल बनाते हैं। तो इस हॉटवेल से क्या करेंगे, हम लोग एक पानी का वे लेंगे और यहां पे बना देंगे एक पंप लगा देंगे, ठीक है। और पंप क्या करेगा, पानी सक करेगा, इसको बोलते हैं कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। यहां से कंडेंसेट एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करके किसको देगा, यहां पे देगा कंडेंसर के अंदर। तो ठीक है, यहां पे ये क्या हो गया, देखिए हमारा ये क्या हो गया, कंडेंसेट इन हो गया, कंडेंसेट यहां पे इन होगा और ये ट्यूब के अंदर हमारा क्या होगा, सर्कुलेट होके और यहां से क्या होगा, कंडेंसेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया, जब कंडेंसेट इन हो गया यहां पे कोल्ड था और जब आउट होगा तो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। हॉट क्यों होगा, क्योंकि ट्यूब के ऊपरी में, ट्यूब के आउटर में क्या है, हमारा ये स्टीम प्लस नॉन कंडेंसेबल गैस है जो कि कंडेंस होने के बाद, ये जो स्टीम प्लस नॉन कंडेंसेबल गैस है वो कंडेंस होने के बाद कहां होगा, देखिए यहां से मैंने एक वे दिखाता है टू कंडेंसर, यहां से हम लोग यहां पे कंडेंसर के अंदर डाल देंगे। तो क्या हुआ, जो हाई प्रेशर से स्टीम गया था वो कंडेंस होकर हमारा फिर से क्या हो गया, हॉटवेल में आ गया, कोई वेस्ट नहीं हुआ, उसको फिर से हम लोग रीयूज कर लिए और जो ठंडा पानी था उसको हम लोग दिए, जिसके वजह से थोड़ा सा और पानी गर्म हो गया। तो जब हमारा पानी गर्म हो गया तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कभी भी हम लोग ये सब चीज क्या करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो इसके चलते अब हॉट वाटर हम लोग बॉयलर में थोड़ा सा और ज्यादा देंगे तो हमारा प्लांट का एफिशिएंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हुआ हमारा इस इजेक्टर का फंडा। तो देखिए एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर आप स्टीम का यहाँ पे स्टीम का हाई प्रेशर यूज किए हैं तो इसको बोलते हैं स्टीम जेट इंजेक्टर सिस्टम। ये पूरा सिस्टम को जहां से हमने इजेक्टर इजेक्ट किया, नॉन कंडेंसेबल गैस को निकाला और यहाँ पे कंडेंस करके फिर हमको यहाँ पे कंडेंसर में डाल दिया और सीपी के थ्रू हम लोग इसको क्या किए, हॉट को कहाँ पे, कंडेंसेट को डिरेटर में भेज दिए। और उसके बाद अगर स्टीम यूज करेंगे हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए, नोजर से जब गुजारेंगे तो उसको बोलेंगे स्टीम जेट इजेक्टर सिस्टम। अगर यहीं पे अगर मीडियम में अगर आप वाटर रखेंगे तो इसको बोलेंगे वाटर जेट इजेक्टर सिस्टम। तो ये हुआ। और यहाँ पे ये कंडेंसर के अंदर क्या देते हैं, वेंट दिए रहते हैं जो कि नॉन कंडेंसेबल गैस को रिलीज आउट करने के लिए दिया रहता है। तो ये हुआ हमारा ऑल अबाउट इजेक्टर सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग देखें कि कैसे हमारा यहाँ पे नोजल लगा के एक प्रेशर यहाँ पे लोअर प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसके वजह से हमारा नॉन कंडेंसेबल गैस सक होता है और यहाँ पे नोजल के अंदर मिक्सिंग करते हैं और यहाँ पे प्रेशर और प्रेशर डिक्रीज कर इंक्रीज करते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज करने के बाद यहाँ पे कंडेंसर के अंदर कंडेंस करते हैं। तो ये हुआ हमारा ऑल सिस्टम इजेक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।